हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं उस बारे में बात करूँगा, हमारा वो टॉपिक रहेगा जो मुझे बार बार कमेंट करके, मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी मैसेज हैं उसके और मेरे इंस्टा पे भी काफ़ी मैसेज हैं कमेंट में, कि अनिश्चित टेक्नोलॉजिस्ट क्या होते हैं और उठी टेक्नोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो मैं बात इसी बारे में करूँगा आज कि अनिश्चित टेक्नीशियंस क्या होते हैं और उठी टेक्नीशियंस क्या होते हैं उनके बारे में। दोस्तों, आज के टाइम में क्या चल रहा है, आज के टाइम में ये दोनों डिप्लोमा अलग अलग हो गए। लेकिन बात करें हम अपने समय की, तो उस समय एक ही डिप्लोमा होता था, ओटी टेक्नीशियन का या ओटी टेक्नोलॉजिस्ट बोल रहे हैं आप, तो उसमें दोनों चीज़ें कवर होती थी। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि ओटी टेक्नीशियन के क्या वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं और अनिश्चित टेक्नोलॉजिस्ट के क्या वर्क होते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा इसमें। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो का, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अनिश्चित टेक्नीशियन क्या होते हैं, पहले हम बात करते हैं अनिश्चित टेक्नीशियन की। अनिश्चित टेक्नीशियन की मैं बात करूं तो इनका डिप्लोमा होता है 2 साल का। और मैं डिप्लोमा, पहले क्या था, पहले सर्टिफिकेट भी होते थे, अभी क्या है, डिप्लोमा का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट के व्याप पर वैकेंसियाँ बहुत कम निकलती हैं। गवर्नमेंट वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा और डिग्री बेसिस पे ज़्यादातर देखी गई हैं आज के टाइम में, जो वैकेंसियाँ निकल के सामने आ रही हैं। धीरे धीरे सर्टिफिकेट का चलन खत्म होने की कगार पर लग रहा है कि सर्टिफिकेट का चलन धीरे धीरे कम सा हो रहा है, लेकिन डिप्लोमा और डिग्री का चलन आज के टाइम में चल रहा है। बात करें इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है अनिश्चित टेक्नीशियंस का, और बीएससी अनिश्चित टेक्नोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं और एमएससी अनिश्चित टेक्नोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री भी की जा सकती है इसमें, अनिश्चित टेक्नोलॉजिस्ट की बात की जाए। अब मैं बात करता हूँ कि अनिश्चित टेक्नोलॉजिस्ट के काम क्या होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, जो अनिश्चित टेक्नीशियंस की बात की जाती है, तो अनिश्चित ड्रग जो होती हैं, चाहे वो प्री मेडिकेशन की ड्रग हो या इंट्राओप जो सर्जरी के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो हो, तो क्रैश कार्ड बनी होती है, क्रैश कार्ड को मेंटेन करना होता है। पहला काम तो ये हो गया। क्रैश कार्ड में क्या है, आपकी सारी इमरजेंसी ड्रग्स, प्री एनेस्थेटिक एजेंट, सारी ड्रग्स होती हैं उनको मेंटेन करना होता है, उनकी एक्सपायरी वगैरह चेक करनी होती है, प्रॉपर तरीके से वो रखी होती हैं, जो सर्जरी के दौरान में दी जाएंगी वो सब प्रिपेयर करके रखनी होती है अनिश्चित टेक्नीशियंस को, पहला काम। दूसरा काम हो गया इंटूबेशन ट्रॉली को रेडी रखना। इंटूबेशन ट्रॉली यानी कि जब पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, इंटूबेट करते हैं, उस समय क्या क्या सामान होना चाहिए इंटूबेशन ट्रॉली पर, वो सारी प्रिपेयर करके रखना, एंड सक्शन मशीन को प्रिपेयर करके रखना, जो सक्शन मशीन होती है उसको रेडी रखना, और ऑपरेशन थिएटर की जो टेबल होती है वो भी अनिश्चित टेक्नीशियन उसकी देख रेख करते हैं, और ओटी लाइट वगैरह ये भी अनिश्चित टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है। ये हो गए अनिश्चित टेक्नोलॉजिस्ट के वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन थिएटर की। लेकिन ये डिप्लोमा करने के बाद आप आईसीयू में भी काम कर सकते हैं, और भी कई प्रोसीजर्स होते हैं आईसीयू की बात की जाए तो, जैसे कि सेंट्रल लाइन को असिस्ट कराना, आरटीएल लाइन को असिस्ट कराना, एपीडीएल वगैरह को असिस्ट कराना, तो ये काम भी अनिश्चित टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर आते हैं। अनिश्चित टेक्नीशियन की बात होगी, अब बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन की। ओटी टेक्नीशियन क्या होते हैं दोस्तों, ये भी डिप्लोमा बेस पे भी होता है ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, और डिग्री बेस पे भी होता है, और एमएससी यानी कि मास्टर डिग्री भी होती है। अगर बात करें बीएससी ओटी करके भी होता है, ओटी टेक्नीशियन करके भी होता है, और एमएससी ओटी भी होता है, ओटी टेक्नीशियन करके भी होता है। बात होगी इन तीनों की, अब बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन के वर्क क्या क्या होते हैं। देखो, ओटी टेक्नीशियन क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ओटी टेक्नीशियन की बात करूँ तो ओटी टेक्नीशियन जो होते हैं वो हमारे ऑलराउंडर होते हैं। ऑलराउंडर कैसे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो अनिश्चित एनेस्थेटिक को भी असिस्ट करा सकते हैं और सर्जन को भी असिस्ट करा सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी वो असिस्टेंट का रोल अच्छी बखूबी निभा सकते हैं अगर उनका स्किल अच्छा है तो। क्या क्या काम करते हैं ओटी टेक्नीशियन, पहला सर्जरी असिस्ट करा सकते हैं, एनेस्थेटिक को असिस्ट करा सकते हैं, और जो इक्विपमेंट होते हैं सर्जरी साइड में उनकी देख रेख करना, मेंटेन करना, उनको ऑपरेट करना, जैसे कि फॉर दैट एग्जाम्पल मैं बात करूँ, सीआर मशीन होगी, और क्या होगी आपकी कोटरी मशीन होगी, हार्मोनिक मशीन होगी, लेगासोर मशीन होगी, और जो लैब सेट होता है, लैब सेट की स्पेशली बात की जाए तो उसके अंदर लाइट सोर्स होती है, कैमरा होता है, स्क्रीन होती है, इन सबको मेंटेन करना, देख रेख करना, और ड्यूरिंग सर्जरी सर्जिकल टेक्नीशियन बात की जाए या फिर ओटी टेक्नीशियन बात की जाए तो वो कैमरा भी दिखाते हैं, सर्जन को असिस्ट करते हैं कैमरा दिखाने में। क्लियर होगा, ये हो गई ओटी टेक्नीशियन की बात। ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा करने के बाद पहले क्या होता था कि वो सीएसएलडी में भी काम कर सकते थे उसी डिप्लोमा के व्याप पे, और एमजीपीएस में भी एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते थे,
ये दिखाकर। लेकिन अभी कुछ समय से सीएसआईडी टेक्नीशियन का भी अलग से डिप्लोमा किया जाए। उम्मीद है कि ये डिफरेंस समझ आया होगा कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का क्या वर्क होता है और ओटी टेक्नीशियन का क्या वर्क होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके माध्यम से मैं बताना चाह रहा था कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, मतलब एक ही बाप के बच्चे हैं जो कि नाम अलग अलग रख दिए, एक ही परिवार के मेंबर हैं। एक टीम वर्क होता है ऑपरेशन थिएटर में जो होता है, सभी मिलजुल के काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।